ये दशरथ नाम का व्यक्ति है और बिहार डिस्ट्रिक्ट में गया का रहने वाला है, और वहाँ पे हमने इसको आज जगमाल वाली के पास से हमारे सीआई स्टाफ एएसआई सुमित कुमार की टीम ने इसको पकड़ा है। पूछताछ में पता चला है कि इसने 1997-98 में माओवादी का सदस्य भी बना था ये, और उसमें एक बम ब्लास्ट हुआ था वहीं बाराचट्टी जहाँ इसका गांव है वहाँ पे, उसमें भी ये गिरफ्तार हुआ था और 10 महीने जेल में रहने के बाद इसकी जमानत हो गई थी। और उससे पहले एक ये मर्डर में था, एक शामिल हुआ था और उसमें भी ये गिरफ्तार हो गया था, और 2 मुकदमे और भी हट के लड़ाई झगड़े के इसके ऊपर दर्ज हैं जिनमें ये पीयू है वहाँ से। और जो बम ब्लास्ट वाला मुकदमा था उसमें 10 महीने जेल में रहने के बाद ये बेल जंप कर गया, दोबारा गया नहीं। उसके बाद ये तकरीबन यहाँ हरियाणा में ही ज़्यादा घूमा है, दारू के ठेके में कहीं कहीं बैठ गए और जो कारंदे टाइप होते हैं उसमें काम करता था। तो हमने बिहार पुलिस को भी सूचित कर दिया है और इससे अब पूछताछ भी करी है। उसमें बम ब्लास्ट हुआ था बाराचट्टी गया डिस्ट्रिक्ट में, ये जिस ये इसी का गांव है, वहाँ पर एक नदी है सूखी पड़ी है, वहाँ पर किसी मामले में फोर्स आई थी और एक कॉन्स्टेबल हमारा पुलिस का एक्सपायर हो गया था और एक घायल हो गया था, और उसमें 7 लोग गिरफ्तार हुए थे, 7 में से ये एक है, और जो ये जमानत 10 महीने के बाद ये बाहर आ गया था और फिर ये बेल जंप कर गया, गया नहीं। आगे पेश पूछताछ करेंगे, पेश करेंगे और फिर बिहार पुलिस को भी सूचित कर दिया है, वो भी नियर बाई हैं, आ रहे हैं, ज़्यादा मुकदमे उन्हीं के में वांटेड है ये। नहीं, अपने सिरसा में सब कुछ है इसका कोई? हाँ जी, हमारे सिरसा में इसका कोई मुकदमा नहीं। और हाँ, उस 1990 में ये सिरसा में आ गया था और ठेकों में काम किया, इसने डब्बा वाली में भी काम किया है, इसने अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में भी काम किया है, इसने सिरसा डिस्ट्रिक्ट में भी काम किया है। हाँ, छुपने के लिए आता था वहाँ से, ये पीओ रखा, बेलजम कर रखी इसने बम ब्लास्ट वाले में, और 2 मुकदमे लड़ाई झगड़े के भी वांटेड है जिसमें, उसमें भी ये बेलजम कर रहा है, गया नहीं, गिरफ्तार नहीं हुआ। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए ये यहाँ आ जाता है।